अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पिजन प्लेनेट और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राशो को सरदार। आज आपको कबूतरों का शौक़ करवाते हैं। ये देखें, मेरे पास थोड़े सा शौक़ करते हैं हम भी, तो सोचा आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। लेकिन हम सबसे पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले मौजूद व्यूवर से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज आपको दिखाते हैं कौन कौन से कबूतर हैं हमारे पास। ये देखें, बाहर निकाले हुए हैं। ये जौनसीरी मादी, छतरी वाला नार, ये देखें, ये टेढ़ी घुमरी है, ये देखें प्रॉपर्टी दी हुई है इनको, ये टेढ़ी नार घूम रहा है, ये देखें इस साइड पे भी हैं, ये देखें ये चपड़ा है, गोल्डन घूम रहा है, ये जोड़ा लगा हुआ है, डाबो वाली मादी है, ये देखें फ्रेंड थोड़े से कबूतर रखे हुए हैं। ये देखें, ये बड़ा अच्छा नारा है, ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे पास परवाज़ देता रहा पिछले साल ये गर्मियों में, ये बड़ा अच्छा नार था ये। ये देखें, ये कबूतर बाहर निकाले हुए हैं कुछ, हमने कहा ज़रा इनकी वाक करवाते हैं, थोड़ी सी घुमाते हैं, और पिंजरे में भी बैठे हुए हैं। ये देखें पिंजरों में भी कितने बैठे हुए हैं कबूतर, मेरे पास बेशुमार हैं, बहुत हैं। ये एक छत के कबूतर है, मेरी दूसरी छत पे भी माशाल्लाह इसी तरह ही हैं। ये देखें कौन कौन से पड़े हुए हैं, ये देखें, ये सारों को प्रॉपर्टी दी हुई है, ये साबुत होने वाले हैं, हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर इनको बाहर निकाला करेंगे। आधे से ज़्यादा तो हिले हुए हैं, हिला लिए हैं, न्यू हिलाए थे, तो अभी काफ़ी सारे इनमें बहुत सारे कबूतर ऐसे हैं जो न्यू हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही वाले नहीं हैं, अभी पिंजरों में भी ऊपर भी चढ़े हुए हैं। ये देखें मलक साहब दाना डाल रहे हैं, मलक अज़हर साहब मलकू टीवी जिनका चैनल है, ये भी बैठे हुए हैं। ये देखें कबूतर आप देखें, माशाल्लाह एक से एक अच्छी नस्ल का कबूतर पड़ा हुआ है। अभी यही नहीं है, आपको इधर से भी दिखाते हैं ज़रा, ये देखें कितने घूम रहे हैं, ये देखें वो छत की एंड तक गए हुए हैं, काफ़ी दूर तक घूम रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं। ये देखें देखें सेटअप, कबूतर काफ़ी हैं, अभी इंशाल्लाह अक्टूबर आएगी तो इनको उड़ाएंगे। इनमें ये बाहर प्रॉपर्टी दी हुई है, ये बाहर सारे घूम रहे हैं, इनमें गर्मी वाले भी हैं, गर्मियों के उड़ा उड़ाए कबूतर हैं, उनको तो गर्मी में सर्दियों में बाहर नहीं निकालना, लेकिन वैसे ही प्रॉपर्टी दे दी है उनको कि सेट हो जाएंगे, चलो पार न्यू निकल आते हैं, अच्छे उड़ते हैं पिंजरे में, बाहर तो उनको हवा भी नहीं लगाता मैं, गर्मियों वाले गर्मियों में ही उड़ाता हूँ, सर्दियों में सर्दियों वाले। ये देखिए, ओके फ्रेंड्स, वीडियो लंबी होती जा रही है, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।